मैं जब मुझे ये दावत के लिए ये किताब दावत किताब दिया गया और उसको पहले मॉडल दिया गया, तो जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो बहुत दफ़ा मुझे ये सोच के मुश्किल पेश आ रही थी कि इस वक्त के अंदर बहुत सारे मौजूद जो है वो मुकम्मल तौर पर शायद की तिश्तगी ख़त्म न की जा सके। लेकिन मतलब मैं जो फिक्र पहुँचा हूँ 4:30 बजे उसके तक मीर साहब की तकरीर कर रहे थे और उसके बाद मीरुद्दीन बाबर साहब ने भी और उसके बाद अभी काफी बराबर साहब ने, तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे कि अकामत दीन का जो मौजू है मुझे पहले बहुत अच्छे तरीके से बयान कर चुके हैं और बहुत सारे मामला ये बता चुके, और असल कुछ के इसके अंदर मामला है वो अकामत दीन का ही है, बाकी तो सारी आगे उसकी शाखें हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है वो अकामत दीन को जो है वो एक आयत करके यहाँ भी देख रहा था आकर के लिखी हुई थी शुरा की आयत, तो ये व्यायाम करके उसके बाद में फिर अपने मौके यानी कि अब्दाल की तरफ आगे बढ़ूँगा। شرع الله الدين ما وصى به هو الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى وان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اور اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور اس کی ہم نے تم نے تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم کو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو. मतलब ये वो मौ है जो कि ये वो हुक्म है ये वो फर्ज है जो कि इस उम्मत के ऊपर नहीं बल्कि हमेशा भी तमाम उम्मतों के ऊपर चला है और इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मीरुद्दीन बाबर साहब बात कर चुके हैं. तो सिर्फ एक शेर पढ़ के जो है वो अब्लाग की तरफ आता हूँ जो कि मारूफ शेर है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दिल की फिक्र अभी मेरे लिए कल मेरे लिए अब्लाग की तरफ आते हैं. तो अब्लाग पलक से जिसका मतलब है जिसका मतलब है पहुंचाना या भेजना या पैगाम रसानी करना. हम कुरान मजीद में देखते हैं तो हमें ये लफ्ज कई जगहों पे नजर आता है कि या ये रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक सूरह मायदा क्या है नंबर 66 में कि ऐ नबी जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास पहुँचा है उसको आगे पहुँचा तबलीग करो. और वो मशहूर जो हदीस है कि बल्ले हुआ नहीं बलो आया कि तुम बुखारी शरीफ की हदीस है कि अगर उसकी तबलीग करो उसको पहुँचाओ पा वो एक आयत ही क्यों ना हो. और नाग का मिसरा जो आप तमाम लोग सुनते हैं बलगल उला भी कमाली कि पहुँचा पहुँचा वो कमाल पे अपने कमाल की वजह से उला मतलब आला गल. अब इसके अंदर अब्लाग ये वो चीज़ है कि जो कि इंसान एक बाशऊर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में सांस लेने के और खुराक के अलावा जो दूसरा अहम तरीन काम करता है वो तो चूँकि एक जानवर भी जो है वो सांस लेते हैं वो अब्लाग का काम है. पैदाइश से लेकर वफात तक जो है वो किसी न किसी सूरत के अंदर अब्लाग का अमल जो है वो जारी रहता है. पर अब्लाग लाजमी नहीं होता कि अब्लाग जो है वो बोल पर ही किया जाए. हमारा हर हर अमल हमारी खामोशी हमारा बोलना हमारा उठना हमारा बोलना हमारा चलना हर चीज़ जो है वो हमारी अब्लाग कर रही होती है. पर अब्लाग सिर्फ इंसान ही नहीं कर रहे होते बल्कि अशिया भी जो है वो भी अब्लाग कर रही होती है. अब उसके अंदर भी अगले उसके ऊपर आते हैं वो सिर्फ अब्लाग में. अब मेरे हाथ में मोबाइल है अब तमाम अफराद जो है उनको मालूम होगा मैं ये मोबाइल अब्लाग कर रहा है. मैं पूछूँगा आपके लिए क्या है तो आपको पता है मोबाइल एक ही अब्लाग कर लेकिन ये एक नामुकम्मल अब्लाग कर रहे हैं. मैं अगर आपसे पूछूंगा कि किस कंपनी का मोबाइल है तो शायद आप में से कुछ लोग ना जवाब दे सकते. उसकी वजह ये है कि आपका जो साबका इलम है वो शायद इस प्रोडक्ट के बारे में या इस चीज़ के बारे में मुकम्मल नहीं है जिसकी वजह से ये एक नामुकम्मल अब्लाग है. और मैं अगर इस मोबाइल से मुतालिक मजीद चीज़ें पूछूंगा तो शायद वो आपको बिल्कुल भी मालूम ना हो. आपको अपने अपने मोबाइल के मुतालिक जरूर मालूम होगा मेरे मोबाइल के मुतालिक शायद ना मालूम होगा. अब तो अब्लाग तो बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं हम भी कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं नज़म से कर रहे हैं नसर से कर रहे हैं तहरीर से भी चल रहा है तकरीर से भी चल रहा है. तो मौसर अब्लाग जो है
वो क्या होता है और उसका क्या तरीका क्या है, हम अब उसकी तरफ आते हैं। चूंकि मेरी जो है वो तालीम भी जो है वो अबलागियात के अंदर है, तो उसके अंदर हमने दौरान तालीम बहुत सारे मॉडल पढ़े कि अबलाग कैसे होता है, उसको क्या कैसे किया जाता है, उसका बेहतरीन मौसम अबलाग के तरीक़ाकार क्या है। तो उसमें एक जो मुख्तफिर तरीन मॉडल है जिसके वक्त की किल्लत भी है और उसकी तारीफ के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, उसकी बजाय मुख्तफिर तरीन जो उसका मॉडल जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है एसएमसीआर मॉडल। सबसे पहले हो गया सेंडर जो कि भेजने वाला है, अबलाग करने वाला है। दूसरे नंबर के ऊपर हो गया मैसेज जो अबलाग जो आप बात पहुँचाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे सी है जिसका मतलब चैनल है कि आप अबलाग तो कर रहे हैं कि किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपसे अबलाग कर रहा हूँ, इसके अंदर चैनल जो है मेरी आवाज़ है, या ये माइक है, या ये लाउडस्पीकर है जो कि उसके चैनल बना हुआ है, या साथ के लिए एक कैमरे की रिकॉर्डिंग हो रही है जो कि अगर कोई इतराज लाइव देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग के बाद में देखेंगे तो उन तक ये चैनल है। और अगर हमें रिसीवर, अब इनके अंदर ये तमाम जो चार के चार इसके अंदर जो जो हैं ये अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगे तो अबलाग जो है वो मौसर होगा, और अगर ये अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे हम चारों चीज़ों तो अबलाग मौसर नहीं होगा। सबसे पहले तो इसके अंदर चीज़ आती है कि आप अबलाग का आपका मकसद क्या है, मकसद है अबलाग क्या। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर तो ये मेरा मकसद है कि अकामत दीन के लिए जितने अफराद यहाँ पर बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी बात पहुँचेगी तो ये तमाम अफराद जो है उनके लिए मेरी ये बात एक नफा बख्श साबित हो और अकामत दीन के लिए उनके काम में से कोई बेहतरी आ जाए और मेरे अपने काम के अंदर भी बेहतरी आ जाए तो ये एक नेक मकसद होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मेरे इस मकसद, अगर ये मेरा मकसद ये ना हो कोई भी और मकसद हो तो मुमकिन है कि शायद वो मकसद उस तरफ मैं यहाँ पर पूरा ना कर पाऊँ। ये आप कोई भी चीज़ किसी को अबलाग करते हैं, जब आप कोई भी बात करते हैं, ये भी हम आगे जब हम अम्बिया के अबलाग की तरफ आएंगे तो आगे इस मौके पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। पर मुख्तसर ये है कि जब भी सेंडर जो भी कोई बात अपनी कर रहा है जो एस है एसएमसीआर मॉडल के अंदर, सबसे पहले तो उसका अमल उसके अगर कॉल से मुताबिक रखता होगा तो ये अबलाग के लिए बेहतरीन जो है वो पहली शर्त है। अगर मैं जो बात आपको कह रहा हूँ मैं खुद नहीं करूँगा तो मेरा अबलाग जो है वो शायद आपको कुछ देर के लिए तो भला लगे, लेकिन जो मेरा मकसद है कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाए शायद वो पूरा ना होता हो। और दूसरी नंबर ये है कि मुझे आपकी रिसीवर की सेंडर को रिसीवर की हालत का इतराफ़ भी होना चाहिए। आया कि यहाँ पर चूँकि तमाम अफराद जो हैं वो पहले से ही इसी नीयत से आए हुए हैं कि यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, मैं अगर किसी आम बाहर किसी मजमे में बात कर रहा हूँ तो आया कि जिन अफराद से मैं बात कर रहा हूँ वो अगर सीखना भी चाह रहे हैं कि नहीं सीखना चाह रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले कल अफराज साहब ने वो तहरीर वाले मामले में बताया कि तो उससे मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो फिर उसको बाप के लिए बात कर रही हूँ। तो अगर तो मैं अजराज इस चीज़ का इजराज रखता हूँगा कि रिसीवर जो है वो किस हालत में है और वो मेरी बात सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ख्वाहिश रख रहा है, तो फिर तो मैं अच्छे तरीके से अबलाग कर सकूँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर है मेरा अबलाग वहाँ पर नामुकम्मल है। फिर दूसरा इसके अंदर मॉडल के अंदर दूसरा लफ्ज आता है मैसेज। हम जो मैं मैसेज आपको दे रहा हूँ चूँकि मैं अच्छे अल्फाज के साथ जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ उस मैसेज को रखा जाए। मैं अगर यहाँ पे उर्दू बोलने वाले अफराद हैं चूँकि हमारी अपनी उर्दू जो है वो तलीमी इदारों और बाकी मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बीच में क्या वजह इंग्लिश के अल्फाज आ रहे हैं। अब यहाँ पर उर्दू बोलने वाले अल्फाज हैं, अगर मैं जो है वो अपना मैसेज जो है वो पंजाबी में या सराइकी में या हिंदी में या किसी और अखबार में या किसी ऐसी तरीके से मैं पेश करना शुरू कर दूँ जो आपके लिए नया होगा तो शायद मैं जितना मर्जी अच्छा मैसेज आपको दे रहा हूँ मैं यही सारी बातें जो है वो अगर मैं सराइकी में कर रहा हूँ या यही सारी बातें मैं पश्तो में कर रहा हूँ तो सवाए चंद लोगों के शायद ये बाकियों को ये बात समझ ही नहीं आती। उसकी वजह मतलब इसी वजह से आपने मैसेज जो आपने वो करना है उसका आपने देखना है कि आया के जो अफराद वहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं वो मैसेज जो है उन तक पहुँच भी पा रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं। तीसरे नंबर पर आ जाता है चैनल। चैनल बेहतरीन होना चाहिए, कोई भी बात जब आप पहुँचाएँगे अपनी आगे
अगर ये मैं चैनल यहाँ पे चूंकि ये एक है ही फॉरम इस तरह का, इसके अंदर तकरीर का सिलसिला है और इसके अंदर नफर में आपसे बात की जाती है, अगर ये चैनल जो है वो प्रॉपर नहीं होगा मेरी बात आप तक, ये इवन ये माइक भी जो है ये डिस्टॉर्शन शुरू कर देता है, बीच में जो है उसकी बेसानी शुरू हो जाती है, ये चैनल आप तक जो मेरी बात पहुँच रही है वो भी अगर खराब होनी शुरू हो जाती है तो आपको खौफ तो नहीं शुरू हो जाएगी, और जब आप इस खौफ में मुबतला होंगे तो आपका जहन जो है वो खुली तौर पर मेरी बात सुनने पर आमादा नहीं होगा, बल्कि साथ साथ आप मेरी बात भी सुन रहे होंगे और साथ साथ आपके जहन के अंदर मुख्तलिफ और चीज़ें भी चलने शुरू हो जाएंगी, कुछ का जहन जो है वो माइक की तरफ जा रहा होगा, कुछ का जहन जो है वो इसके एम्पलीफायर की तरफ जा रहा होगा, कुछ का कंपनी की तरफ जाएगा, कुछ जो है वो शोर से वैसे इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ के अंदर जो है वो चैनल की अहमियत जो है वो भी बहुत अहमियत रखती है कि आपने जब भी अपनी बात दूसरे तक पहुँचानी है तो कोशिश कीजिए कि बेहतरीन चैनल हो, बेहतरीन तरीके से पहुँचाई जाए। और आखिरी नंबर पे अंदर इसके अंदर फिर रिसीवर आ जाता है, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि सेंडर अगर तो रिसीवर की फहमी सतह और उसके सबका इलम का तदारुक करके फिर उसके साथ अबलाग करेगा तो वो उस तक मुकम्मल अबलाव और अच्छे तरीके से मौसर अबलाव हो सकेगा, वरना नहीं होगी। और बाकी फिर जो है वो इसके अंदर आगे जब हम दूसरे फिल्म के अबलाग की तरफ आएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे होता है। बहरहाल मुख्तसरन ये है कि मौसर अबलाग की जो साइंटिफिकली जो जो चीज़ें इसके अंदर की जाती है वो मुख्तसर तरीन अल्फाज में ही आगे आता है मौरू के, हमें चूँकि तमाम चीज़ें हमने अल्लाह ताला ने जो हमें सिखाई है वो अम्बिया के जरिए अम्बिया अपने दौर के बेहतरीन माहिर अबलाग भी थे, मतलब वाइब किरदार और बाकी अखलाकियात ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन उसके साथ जो है वो अपने दौर के बेहतरीन माहिर अबलाग थे। और मतलब आप सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें भी मुख्तसरन मैं दो तीन मिसालें देके जो है वो फिर आगे बढ़ता हूँ कि हम हजरत इब्राहिम का वाक़या देखते हैं कि जब उन्होंने बुत तोड़े और उसके बाद कुल्हाड़ी जो है वो बुत तोड़ने के बाद वो बड़े बुत के कंधे के ऊपर रख दिए, अपराध आए और उन्होंने पूछा कि भैया बुत उसने तो किसने तोड़े हैं, जवाब एक ये भी हो सकता था मैंने तोड़े हैं और उसके बाद जो है वो तकदीर की जा सकती थी, लेकिन उनकी चूंकि पहली सतह का इतराज़ था, उनके मामला का इतराज़ था और उनके दिल के चोर का भी इतराज़ था, उनसे उन्होंने सवाल किया, आपने हजरत इब्राहिम ने जवाबी सवाल किया कि बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ी पड़ी है तो तुम बड़े बुत से पूछ लो, तो उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कहते कि भाई तुम्हें तो मालूम है कि ये बुत जो है वो चल कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, मतलब ये अबलाग का एक एक तरीका था, लाजमी नहीं है कि हर जगह पे तकरीर ही काम करती है, कुछ जगहों पे सवाल जो है उसको भी इस तरह के काम किया जाते, तो एक बेहतरीन अबलाग हुआ, बहरहाल खुद तक बात पहुंच गई और उन्होंने खुद ही हजरत इब्राहिम के बताने से पहले इस चीज़ को खुद ही तकलीफ कर लिया कि मुझ कुछ नहीं कर रहे, उनका एक बहुत बड़ा लेवल जो था वो इस चीज़ को समझाने वाला उनका कवर हो गया कि उन्हीं के अपने फैसले थे, उन्हीं के जवाब थे। फिर हम देखते हैं दूसरे नंबर पे हजरत मूसा क्या जो है वो जब हजरत मूसा आते हैं फिरौन की तरफ आते हैं उसको खिताब करने के लिए, उसके महल में उससे बात करने के लिए, एक तो पहले ही अल्लाह ताला जो है वो रास्ते में जो है वो उनको हुक्म दे देता है कबूला लो कौल लियन के जाकर नरमी से बात कर, एक अबलाग का क्योंकि माहिर अबलाग तो है लेकिन साथ अल्लाह ताला जो सिखा रहा है डायरेक्ट अल्लाह ताला सीख रहा है, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि अबलाग जो करना है तो वो नरमी से करना है, बेशक उसने जो है वो जितने भी बनी इसराइली मार दिए हैं और बाकी जुर्म खत्म उसका चल रहा है, लेकिन अगर ये नरमी से अबलाग नहीं होगा तो मुमकिन है कि वो बात सही तरह से ना पहुँच पाए। उसके बाद फिर उनका जो है वो मामला चलता है जाके फिर उनके दरबार के अंदर बात करता है तमाम अफराद को उस चीज़ का, फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है, सिर्फ अबलाग जो मूसा वहाँ पे कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी तकरीर से नहीं कर रहे, उसके बाद अबलाग जो है उनका एक अबलाग होता है कि अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि अपनी बगल में अपना हाथ डालो और उसको निकालो तो कुछ चमकने शुरू हो चुका, बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो तहरीर तकरीर जो है उनकी वो अहमियत नहीं रख रही होती, लेकिन जब वो मौजूदा देखते हैं तो वो एक अबलाग जो करता है वो उनके लिए शायद ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है। उसके बाद वो जादूगरों वाला मामला आ जाता है, जादूगरों वाले मामले के अंदर शायद हजरत मूसा जो है वो उनको बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें वो पहले सुन चुके हैं लेकिन ईमान नहीं लगता,
वो जादूगर तमाम था। जब हजरत मूसा वो अपना आसा नीचे रखते हैं और वो लाठी जो है वो तमाम सांपों को और उनके जो जादू के शोबे होते हैं वो उन पर निकल जाती है, तो उनके लिए उन जादूगरों के लिए वो अमल जो है उनका वो मुजदा जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मौसर अबलाग का काम करता है और उस अबलाग के एक तरीके को उसके देख के जो है वो तमाम जादूगर जो है वो ईमान ले आते हैं। तो अबलाग के जिस तरह के मैंने बताया कि आपको तदारुक होना चाहिए कि आप जिन लोगों से अबलाग करने जा रहे हैं उनके लिए अहमियत क्या क्या है इन चीज़ों की, तो जिस चीज़ की जब आपको तदारुक होता है तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से ये मामला हो जाता है। फिर उसके बाद हम अब आते हैं मतलब बीच में एक और मिसाल देके फिर मैं दूसरे फिल्म पे आता हूँ कि सुकरात जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि गालिब कुरान है कि शायद वो नबी थे और उन्होंने जो गैर का प्याला पिया था वो भी तो ईद के ऊपर पिया था। उनका जो अखलाक का अंदाज था उनका अंदाज भी जो है वो हजरत इब्राहिम ने जिस तरह सवाल किया उनका अपराध का अंदाज भी जो था वो सवालों वाला था कि वो जो भी अपराध जो भी फर्ज आते थे जिससे बात होती थी वो उससे सवाल करते थे कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने पूछा कि आपके नज़दीक आप उनके बारे में था कि वो काफ़ी हफ्शी टाइप का मतलब उनके इस हिसाब से कहा जाए कि अगर हाथ उनके तरह मोटे थे और जिस तरह हजरत लुकमान के बारे में कहा जाता है उसी तरह के कुछ उनके बारे में उनसे पूछा गया कि आपको क्या ख्याल है आपके बारे में क्या हसीन है, उन्होंने कहा मैं हसीन हूँ उनका किस तरह से, उन्होंने आगे से जवाबन पूछा कि तुम्हारे ख्याल में सिर्फ इंसान ही हसीन हो सकते हैं या कोई भी चीज़ भी हसीन हो सकती है, तो जवाब दिया गया किसकी हसीन हो सकता है हर चीज़ का हुसन का मैार क्या है उनका, अगर ये कुर्सी है तो ये कैसे हसीन हो, तो जवाब दिया गया उससे अपने जो भी था कि अगर ये कुर्सी अपने बैठने वाले के लिए कंफर्टेबल है उस पर बैठने का मकसद पूरा हो रहा है तो वो कुर्सी हसीन होगी और देखने में भी खुशनुमा लग रही है, तो उन्होंने कहा इस हिसाब से तो मैं तुमसे ज़्यादा हसीन हूँ कि मेरे हाथ जो हैं वो मोटे हैं उंगलियाँ मोटी हैं हाथों का काम है उनसे पकड़ना गिरफ्त करना और तुम्हारे हाथ कपड़े उनके रुपत मेरे हाथ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से गिरफ्त कर लेते हैं, मेरे पाँव चपटे हैं और वो रेत के ऊपर ज़्यादा आसानी से चल लेते हैं, तुम्हारे पाँव जो है उनमें गर्व है उनको नहीं चल पाए, मतलब एक उन्होंने भी जो है वो उनके दौर में चूँकि अपराध थे ज़्यादा तो उन्होंने सवालात का वो जो दौर उनका था उसके अंदर सारा फलसफा वगैरह चल रहा था तो उन्होंने सवालात का तरीका अबलाग के लिए। आगे दूसरे फिल्म के ऊपर जब आते हैं हम बात करेंगे तो दूसरे फिल्म का जो मुआशरा था वो अपनी फसाहत और बलागत और ज़ुबानदानी और इस हिसाब से मशहूर था, मतलब वहाँ पे सफा मल्लिकात जो बेहतरीन शुरा होते थे वो अपना कलाम भेजते थे नसर वाले और तो बहुत बेहतरीन कलाम होता था वो काबतुल्ला के द्वारा ऊपर लगाया जाता था और वहाँ पे मुहावरे का इस्तेमाल और गुल अमसाल का इस्तेमाल और बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल अरबी जबान की मतलब आप रिचनेस कह लें तो वो इस तरह के थी कि एक एक लफ्ज़ के लिए मुख्तलिफ हालतों के लिए मुख्तलिफ नाम होते थे कि अगर पौधा सुबह के वक्त खिला है तो इसका खिलना कुछ और नाम होगा, शाम को खिला है तो इसका खिलना कुछ और नाम होगा, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए तो उस दौर में चूँकि फसाहत और बलागत का दौर था तो आपको मौजा भी तो दिया गया वो फसाहत और बलागत का भी और कुरान मजीद की जवाब तहरीर पढ़ते थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में ये फरमाया कि हदीस में कि मैं कुरैश में पैदा हुआ और मेरी परवरिश जो है वो बनू साद में हुई तो मेरी फसाहत और बलागत में लुफ्फ आए तो कहाँ पे आए, इस तरह का मफहूम है। फिर हम देखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो किस तरह से बात करते थे और मतलब चूंकि वो हर हर मैदान के अंदर उन्होंने बात की कि एक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते मौका बात करते थे मौके के हिसाब से उनका अंदाज उनकी गुफ्तगू का अंदाज तमाम चीज़ें जो है वो बदलती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में होते थे तो वो जोश और जज्बे से और एक हदीस के अंदर आता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में थे गलबन और अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने बताया कि दुनिया अल्लाह ताला की मुट्ठी में तो इस तरह अपनी मुट्ठी को खोलते और बंद करते रहे और उसके बाद कोई अजाब का जिक्र आया तो इस तरह से अपनी मंबर के ऊपर इस तरह से हिलेंगे, जो सहाबा ने जिन्होंने रवायत की उन्होंने कहा मैं ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं वो गिरे ना पड़े, मतलब उनकी जब वो अबलाग कर रहे थे तो उनका सिर्फ अल्फाज उनके मुँह से ही निकल रहे थे बल्कि उनका पूरा जिस्म भी जो है वो उसके साथ अबलाग कर रहा हो। फिर जब दूसरे फिल्म मैदान जहाज में होते थे वहाँ पे और अंदाज होता था, जब देहातियों से बात कर रहे होते थे या बदू आए होते थे या अरबी आए होते थे
तो उनसे बात का गुफ्तगू का अंदाज उनका और होता था। और इसी तरह जब जहाज वगैरह के काफिलों में जाते थे वहाँ के अंदाज, फिर दूसरे तरफ की एक और जो चीज़ थी कि वो बकदरे ज़रूरत बात करते थे अमूमी तौर पर, और इससे ज़्यादा बात ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते थे। एक दफ़ा तालबन हजरत सात या एक बार काफ़े थे दिए गए उनके नाम नहीं, तो वो एक जगह पे हज का जुमे का खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने जो बात की और उसके बाद मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात करके ख़त्म की, और उसके बाद नमाज के लिए खड़े हुए तो मुख्तलिफ अफराद ने कहा कि हमें अभी जो है वो हमारा ख्वाहिश है हमारी कि आप अपनी बात को मजीद भूल दें। तो उन्होंने कहा कि मुख्तसर अल्फाज ने कहा था कि गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा दूर ला दो, नमाजों को बेशक जो है वो दूर दे दो, मतलब नफली नमाजों को फर्क ही नमाज। तीसरे चीज़ जो दूसरे फिल्म के अबलाग की थी, जो कि आप जवाब करना चाहते हैं कि दूसरे फिल्म जब भी अबलाग करते तो उनका अबलाग मुकम्मल होता था कि जब उनकी गुफ्तगू ख़त्म होती थी तो सुनने वालों को किसी किस्म की कोई तिश्नगी बाकी नहीं रहती थी, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी कि जो क्लियर ना हो, तो तमाम अच्छे तरीके से उसको खेड़ खेड़ कर उसको बाबे अल्फाज में और अच्छे अंदाज के अंदर बयान करते थे कि सुनने वाले अफराज जो है उनको किसी किस्म की कोई तश्नगी नहीं होती थी। हाँ ये जरूर था कि जब दूसरे फिल्म मजमे के अंदर खिताब करते थे जैसे कि हज़रतुलविदा पे किया है, तो जो अहम बातें होती थी उनको तीन तीन दफ़ा दोहराते भी थे ताकि जो है वो अच्छे तरीके से तमाम अफराद तक पहुँच जाएँ और उनके जहन के अंदर हासिल हो। साथ एक और जो चीज़ अभी मिसाल देना यहाँ की भी, मुझे दूसरे फिल्म जब बात करते थे तो अमूमी तौर पर बहुत कम ऐसा हुआ है कि उनका चेहरा जो है वह काफ़ी इलाही की बात कर रहे हो या कोई और, तो जब उनके चेहरे पर तबस्सुम ना हो, नहीं तो हज़रत हमेशा जब बात करते थे तो उनका चेहरा मुतबस्सम होता था। और सहाबा जो है उन्होंने एक हदीस का मफहूम है कि उन्होंने हज़रत से कहा कि आपके अगर चेहरे के ऊपर तबस्सुम ना हो तो आपके रोब और दबदबे की वजह से हमें आपसे सवाल करने की भी हिम्मत हो। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे फिल्म ने अबलाग जब शुरू किया तो पहले ज़ाहिर है सबसे पहले हज़रत खलीजा से बात शुरू हुई, फिर हज़रत अबू बकर, फिर गुलाम उमैद, बिलाल, इनके भी कहते कहते हैं मतलब हज़रत खलीजा को और तरीके से अबलाग किया। हज़रत बिलाल से आप लोग शायद जिसको जानते होंगे कि हज़रत बिलाल को किस तरह फिर का मुशीद काम किया। हज़रत बिलाल जो है वो एक रात को गल पर रो रहे थे, बीमार थे, और उनके ढेर सारा जो आटा उनके पास पड़ा था जो कि उन्होंने पत्थर की चक्की के ऊपर पीसना था, दूसरे फिल्म गए देखा उनके हालत का पूछा, उन्होंने आगे से कहा कि मुझे मेरे मालिक ने इतना काम दे दिया है लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा बेशक मेरी बात। अब दूसरे फिल्म ने कहा कि तुम आराम से तुम आराम करो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। एक रात पूरी जो है वो दूसरे फिल्म ने उसके बिलाल का काम किया, तीन रातों तक लगातार ऐसा किया। उसके बाद जाहिर है जब आप अमल पे अपने जो है वो अबलाग कर रहे हैं कि मैं अपना किरदार आप पेश कर रहे हैं, अपने अमल से किरदार पेश कर रहे हैं, उसके बाद फिर हज़रत बिलाल का जो ईमान है वो उसकी मतलब मुख्तसर अल्फाज में कहूँ तो उसकी चाप जो है वह मुख्तसर फिल्म जब मेराज के ऊपर जाते हैं तो उनको अल्लाह ताला जन्नत के अंदर हज़रत बिलाल की तकों की चाप जाए, तो हज़रत बिलाल से अबलाग उन्होंने कैसे किया, मतलब हर जगह पर एक ही लाठी से नहीं फेंका गया, हर जगह पर जगह के हिसाब से। कोहे सफ़ा का वाक़ आता है, ये दूसरे फिल्म का पहला मैस कम्युनिकेशन था, उससे पहले पर्दन पर्दन अफराद से बात चल रही है, अगर खलीजा से चली फिर दोस्तों से चली फिर रिश्तेदारों से चली। कोहे सफ़ा का मामला आता है उस दौर का पहला मैस कम्युनिकेशन, इस हिसाब से कि दूसरे फिल्म ने वहाँ लोगों को बुलाया, वहाँ पर भी आप अबलाग का तरीका देखें, पहले तमाम अफराद जितने उनसे गवाही ली कि मैं तो मेरे बारे में क्या ख्याल है, उन्होंने कहा जी आप सादिक हैं, आप अमीर हैं, आप सब कुछ हैं, आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया, आपका किरदार जो है, तो मैं अगर तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक ऐसा लश्कर है जो तुम्हें तुम पर चढ़ के तुम्हें दबाव बर्बाद कर देगा, तस्लीम करो, तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि आपने आज तक कभी झूठ नहीं बोली। तो दूसरे फिर ने उसके बाद उनको दावत, यहाँ पर भी वही हज़रत इब्राहिम की तरह जिस तरह कि जो अफराद मुखातिब हैं उनसे पहले ही कहलवा लिया कि उन बहुत सारी चीज़ें कि भी मेरे बारे में क्या राय रखते हो। अब उसके बाद वो बेशक जो उनके कुछ लोग ईमान लाए ना लाए लेकिन उनके दिलों के अंदर एक हरी जुनून पैदा हो गई, इस चीज़ को वो खुद जानते हैं और उस चीज़ को उन्होंने तकलीम नहीं किया कि जाहिर है कि मामला। और उसके बाद फिर दूसरे फिल्म जब जाते थे फिकाफ वकाफ के मेले में जाते थे, वहाँ जाके उनका अंदाज जो है वहाँ पर और तरह का होता था, वहाँ पर शोरा भी आए होते थे, वहाँ पर फिर आप देखते हैं कि वो लोग
जाके अपने उन्होंने कबीलों में बताया, तो वो ऐसा खिलाफ कहते हैं कि जो ना वो आज तक कोई अरब कह सका है ना कहीं किसी शोरा के खिलाफ में बनता है। जिन्नात के पास मुख्तर फिल्म के वहाँ अबला का तरीका कार और भारत मुख्तर अल्फाज में अगर कहा जाए तो हर जगह पे एक लाठी से हजूर सल वसलम ने कहीं भी नहीं हाँका, फर्दन फर्दन बिल्कुल और अंदाज का तरीका तबलीग था, ग्रोहों में और था। और साथ एक चीज़ कि जो कि मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगा लेकिन मैं नहीं कर पाया कि हजूर सल वसलम अपनी जब ग्रोहों से खिताब कर रहे होते थे या मैथ कम्युनिकेशन कर रहे होते थे तो अफराद के साथ साथ फीडबैक भी लेते जाते थे। जिस तरह के अभी कोई सुबह का आपको बताया तो उन्होंने साथ पहले फीडबैक लिया, हाँ भाई तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो मेरे बारे में, ये जानते हैं तुम लोग मेरी बात का यकीन करोगे, जी करेंगे। मतलब तमाम अफराद जो है वो मैथ कम्युनिकेशन के दौरान खमादन गोश रहे और वो इस चीज़ को फीडबैक साथ साथ देते रहे। हजरतुलदा के मौके पर भी हम देखते हैं तो रसूल सल्लम ने पूछा लोगों ये कौन सा महीना है, मैंने बताया ये महीना है, फिर पूछा बाद में कि मैंने तुम तक अपना पैगाम पहुँचा दिया और मैंने कभी जीत पहुँचा दिया, फिर कहा अच्छा जिन लोगों तक पहुंच गया वो उन लोगों तक पहुंचाए तो यहाँ पर नहीं यार वो आगे उन लोगों तक पहुंचाए। मतलब मैथ कम्युनिकेशन के अंदर दूसरे फल के तरीके तब्दील में ये भी था कि वो खास खास फीडबैक लेते हैं। अगर इनको अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइम में जो है वो मुख्तसर रह गया है और मेरा मोटो की भी बहुत तवील बाकी है तो मैं मुख्तसर जो कुछ नुकात जो है दूसरे फिल्म के तरीके तब्दील से मिलते थे मैं उनको मुख्तसर अल्फाज में समेट के फिर आज के दौरे और उनके अबलाग की तरफ आता हूँ। कि नंबर एक दूसर फिल्म का अबलाग है वो हमेशा मुख्तसर और आम फहम होता था, बेशक वो फसाद तो बलागत से मकबूल होता था लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वहाँ का एक आमी या एक आरबी जो है वो उस चीज़ को ना समझ सके बल्कि हर पर्स। दूसरे नंबर पर दूसरे फिल्म के अबलाग की ये खसूसियत थी कि वो हमेशा शाइस्ता तरीके से अबलाग था, सवाए एक आध मौके के जिसके ऊपर हम देखते हैं कि गलबन वो किसी शादी में रसूल का मामला था और उसके कत्ल का उसने सर ने हुक्म दिया तो उस मामले पे जब पूछा गया तो उसने उसने फिर अपने तलखी से जवाब दिया। उसके अलावा हमें हमेशा दूसरे फिल्म का तरीका अबलाव जो है वो शाइस्ता लगा देता। तीसरे नंबर पर मौका शनाफी थी कि मौके के हिसाब से बात करते थे, आप किसी भी शादी के मौके के ऊपर अगर आप वफात के और इस तरह की कोई चीज़ें आप बताना शुरू कर देंगे मसाइल तो बज़ाहिर है लोगों के दिलों के अंदर उसकी शायद जगह ना बन पाए और उनके दिमागों के अंदर भी ना जाए। चौथी चीज़ जिसको हम लोग आमतौर पर इग्नोर कर जाते हैं वो उसने आवाज़ है। दूसरे फिल्म जब भी बात करते थे बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से बात करते जी। तो चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा था वो उसने आवाज़ था, दूसरे फिल्म हमेशा अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज के अंदर की बात पहुंचाते थे। एक अच्छी आवाज़ जो होती है चाहे वो तिलावत की हो या किसी भी चीज़ की हो नाव की हो वो नस्बता एक सख्त और करक्त आवाज़ की नस्बत वो दिलों को ज़्यादा गुदाज करती है और दिलों के ऊपर ज़्यादा असर डालती है। और तिलावत दूसरे फिल्म खुद की जो है वो जिन साहबा की बातल उठाने थे इनकी तिलावत बहुत अच्छी थी, वो दूसरे फिल्म जिन साहबा की तिलावत अच्छी थी दूसरे फिल्म उनको खुद तिलावत सुना करते थे और खुद की गायक बहुत अच्छे तरीके से जो है। चौथे नंबर पे हिकमत और तदब्बुर हमें महसूस होता है, जिस तरह आए थे जो लाजमी ने रुके कभी हिकमत के अल्लाह के दिन हिकमत के साथ तो दूसरे फिल्म जहाँ भी इबलाग होता था उनका हिकमत और तदब्बुर के साथ होता था। पाँचवें नंबर पे दूसरे फिल्म की गुफ्तगू अमूमन उमदा नसीहत के ऊपर जो है वो अपनी होती थी, दूसरे फिल्म जब बात करते थे तो वो एक अच्छे तरीके से नसीहत। अगर कभी ऐसा मौका आ जाए फिल्म पर जहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ ईसाइयों के ग्रोह आते थे बरूका यहूदियों के या मुस्लिमों के ग्रोह आते थे जहाँ पे मुनाज़रे वाला सामान हो जाता था तो वहाँ पे मुनाज़रा भी होता था लेकिन वो बतरीके आसान होता था, उन नज़रियात के ऊपर होता था, मुख्तलिफ अफराद के ऊपर जो है वहाँ पर उनके ऊपर बोर्ड की बात के ऊपर नहीं बात करते थे बल्कि उनके नज़रियात। तो कभी ऐसा भी मामला आ जाए तो वो अच्छे तरीके से क्योंकि हमारा मकसद जो है वो तकलीफ का अगर तो अगले बंदे को नीचा दिखाना हो तो वो एक अलहदा मामला है, अगर अपनी बात उस तक पहुंचानी हो और हक उस तक पहुंचाना हो तो उसके लिए फिर हमें ये वाला मामला भी जो है वो तरीके से होता है। आठवें नंबर पे दूसरे फिल्म की बात जिस तरह अपनी हजरत बिलाल वाला वाक्य आपको बताया कि अमूमन उनका अखलाक जो होता था वो तलीफ कल्ब के साथ साथ करता था, हजरत बिलाल के साथ जो उनका अखलाक है वो उनकी तलीफ कल्ब की है पहले
एक फर्द एक आया बाद में मदनी दौर में गालिबन उसने आकर हजूर को फिल्म से कहा कि ये बकरियों का रेवड़ जो है वो नहीं खाया था, नहीं मुझे दे दीजिए, दूसरे फिल्म में सारा रेवड़ जो है वो उसे दे दिया था। उसने अपने जाकर कबीले को बताया कि वो शख्स इतने वो पति है कि उनके उन्होंने कुछ नहीं पूछा कि कहाँ से आया क्या हो, मैंने उनसे सवाल किया और उन्होंने जो है वो मुझे अदा कर दिया, तो मैं तो जो है वो बहुत मुतासर हूँ। तो वो तारीफें कल क्योंकि वो जब आपके अवलाद के अंदर आपके किरदार का हिस्सा बन जाती है कि आप अगले फर्ज से जब बात कर रहे हो उसकी तारीफें कल तो आपका अवलाद जो है वो मुसर हो जाता है। नौवें नंबर के ऊपर दरगुजर करना, दरगुजर जो है वो एक तो वैसे शख्सी खामियां जो हैं उनका मामला रहता है, उनको किस तरह से उनको समझाना है तरीका का, लेकिन मुशर फिल्म का वो वाक्य आपके सामने सारों के सामने जहनों में ताज़ा होगा कि जब वो एक फर्द आया और उसने मस्जिद नबी के अंदर आकर पेशाब कर दिया, साहबा उसको मारने के लिए लगे तो मुशर फिल्म ने कहा कि नहीं इसके ऊपर जो है वो तुम मिट्टी डाल दो और उसको पाक करो। तो कुछ रवायात में ये भी आता है कि वो शख्स इस अमल को देख कर, इस दरगुजर को देख कर वो जाकर वो भी मुसलमान हुआ और उसके कबीला भी मुसलमान हुआ। और इसके अलावा एक खैर ख्वाही का जज्बा कि हमेशा अक्सर जब भी बात करते थे उनका अवलाद होता था वो खैर ख्वाही का जज्बा होता था, यहाँ तक कि वो आयत जो है वो लाल का बाथरूम नफ़े का जिसमें हमेशा अक्सर को कहा गया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा जो है वो अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान को नहीं रहते, मतलब उसको परेशानी थी। तो दूसरे फिल्म की खैर ख्वाही का जज्बा इतना था कि उनका अवलाव उनकी ख्वाहिश हमेशा यही होती थी कि मैं जहाँ जहाँ बात कर रहा हूँ मैं इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ कि ये लोग ईमान क्यों नहीं ला रहे, इतना ज़्यादा खैर ख्वाही का जज्बा तमाम अफराद के बारे में। और आखिरी जो उसके अंदर एक मुख्य पॉइंट कि वो वसत नज़र का था कि दूसरे फिल्म दूसरे फर्द भी जो आता था ये नहीं होता था कि अपनी बात उसके ऊपर जो दूसरे जब जाहिर मुनाज़रा हो रहा होता है तो दूसरों की बात भी सुननी पड़ती है बहुत सारे। जब आप देखते हैं सुलह हुदैबिया के अंदर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने के ऊपर मामला जो है वो ख़राब हुआ तो दूसरे फिल्म ने उसको तस्लीम कर लिया, उसने कहा जी मसला ही यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह मारने पर तो सारी जंग है, अच्छा भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ऐसी चीज़ ऐसी शर्त जो आपके किसी बुनियादी नज़रिए से या आपके अकीदे से ना टकरा रही हो अगर कोई ऐसा मामला है तो वहाँ पे इस चीज़ को कबूल कर लेना जो है हमारे इस्लाम के बहरहाल ये इसके ऊपर खासा लंबा टाइम इस वजह से लग गया इसके ऊपर कि हमने जो भी अबलाग करना है जब भी अबलाग जिस भी मौलू में करना है जब आगे हम मीडिया से अपने इसके रिलेटेड जो है वो बात करेंगे तो ये वाले अगर नुकात और ये जो असूल हैं ये अगर हमारे पेश नज़र होंगे तो हम अपनी बात अच्छे तरीके से कर सकेंगे और जो हमारा मकसद है वो शायद पूरा होने की तरफ हम चल पड़े। अगर ये वाले तमाम नुकात हम इनकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो जाहिर है कि हमारा जो अबलाग है वो फिर एक यूँ कह लीजिए कि वो मौसर अबलाग नहीं रहेगा, चाहे हमारी नीयत कुछ बहुत साफ हो हमारी ख्वाहिश कुछ भी हो लेकिन वो मौसर अबलाग के दर्जे में नहीं है। अब आते हैं ये सारी बातें करके दौरे हाजिर के अबलाग की तरफ। इसके अंदर भी चूँकि वक्त की फिर किल्लत है मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर अपनी बात और अच्छे तरीके से खत्म करूँ। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में अभी तक इस इंसान के बनने के बाद से तीन तरह के इंकलाब आते हैं। पहला इंकलाब था ज़रई इंकलाब जब इंसान ने ज़रात करना सीखा, दूसरा इंकलाब था ये यूरोप का ये कहना है, दूसरा इंकलाब था इंडस्ट्रियल इंकलाब जब फैक्ट्रियाँ लगने लगी, और तीसरा इंकलाब जो अभी गुज़िश्ता 40-50 साल के अंदर आया जिसके बाद दुनिया को ग्लोबल विलेज कहने लगी वो इंफॉर्मेटिव रेवोल्यूशन टॉपिक को कह रहे हैं कि ये मालूमात का जो है वो इंकलाब है। तो इस दौर के अबलाग को अगर तकसीम किया जाए तो आज से वो 50-60 साल या 100 साल पहले तक तो अबलाग के सिर्फ एक ही किस्म होती थी जिसको वर्की अबलाग कहा जाता था। इस दौर के अबलाग को अगर हम तकसीम करें तो दो में हो जाएगा, एक वर्की अबलाग कह लें जिसके अंदर किताब अखबार खतूत और बाकी सारी जो लिखी हुई चीज़ जो वर्क के ऊपर होती है, दूसरा वर्की अबलाग कह लें आप जिसके अंदर रेडियो टेलीविज़न इंटरनेट सोशल मीडिया सारा कुछ जो है वो वर्की अबलाग। इस दौर की चूँकि ताकत जो है वो ये रेवोल्यूशन जो है इंफॉर्मेशन का, इस दौर की ताकत भी जो है वो इसी अबलाग के हाथ में आ चुकी है। और फिर ये मैस कम्युनिकेशन इस वक्त ये मैस कम्युनिकेशन का दौर है, पहले मैस कम्युनिकेशन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे तौर पर खताब कर रहे हैं या जदुल विदा के मौके पर किया होता है अबलाग
लेकिन ऐसा मौका बहुत कम कम आया कि जब बहुत ज़्यादा अपराध इकट्ठे और उनसे खिताब किया जाए, अमूमी तौर पर छोटे बच्चों से खिताब किया। किसी तरह आपने कोई भी बात फैलानी हो तो वो चंद सानियों के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगी। तो इस दौर की ताकत जो है वो इस दौर का मीडिया है, ज़राए अबलाग। और सिर्फ ताकत ही नहीं है बल्कि ये कुफार की या अगयार की उनकी फिक्री जंग के अंदर जो उन्होंने मतलब की है उसके अंदर उनका ये एक बहुत बड़ा टूल या हथियार भी है, यही मीडिया है। और इसके अंदर वैसे तो उसको तबील किया जाए, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देने में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साथ ही एक चूँकि अबलाग का ही एक इसका फूल है कि बात के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मजाक भी शामिल होना चाहिए। तो मैं मजाक के तौर पर एक लतीफ़ा सुना कर रहे वो गिरा के निकाल देता हूँ कि वो एक अब कहते हैं कि तीन अपराध थे मुल्कों के अपराध आपस में बातें कर रहे थे कि एक ने कहा कि हमारे मुल्क के पायलट इतना ऊंचा जहाज उड़ाते हैं कि वो आसमान को जा लगता है, बाकी तो उन्होंने कहा अच्छा आसमान को जा लगता है, उन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा नीचे। दूसरे ने कहा हमारे मुल्क के मेरी इतनी नीचे सब हाथों लेके जाते हैं कि उस समंदर की तय को जा लगता है। तो बाकी दोनों ने हैरानी से कहा कि इतना नीचे वक्त थोड़ा सा ऊपर। तीसरे ने जो पाकिस्तानी कहा जाता है, तीसरे ने कहा कि हमारे मुल्क के लोग जो है वो नाक से कहा जाता है, दोनों ने हैरानी से नाक से होगा नहीं थोड़ा सा नीचे। तो इस वक्त जो दुनिया का मीडिया है, अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया का तमाम मीडिया जो है वो इस वक्त फेहूनी ताकतों के पास है, तो उसके अंदर सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि मैं उसके बाद में कह सकता हूँ उसकी तस्वीर के तौर पे कि नहीं थोड़ा सा कम कर लें आप, चलें कोई नाम पे परफेंट नहीं थोड़ा नाम पे परफेंट कर या चलें और थोड़ा सा कम करना है तो कुछ आने। इस वक्त मीडिया कॉरपोरेशन बेसिकली दुनिया का जितना मीडिया है, इस वक्त यहाँ पे हमें तो मालूम होता है कि जी सी एन एन एक चैनल है, बी बी सी एक चैनल है, डॉचे वेले एक चैनल है, कि बेसिकली जिन कॉरपोरेशन के पास है उनके पास एक एक चैनल नहीं है। CNN जो है वो AT&T जो है वो एक कॉरपोरेशन है जिसके पास कार्टून नेटवर्क भी है, जिसके पास CNN भी है, जो फिल्में भी बनाती है, जो थिएटर भी रखती है, मतलब उसके 100 से 200 अबलागी आपके उसके जो है वो उसके पास चैनल है। इसके अलावा जो है वो और डिज्नी है, कॉमकास्ट है, 21st Century Fox है, नेशनल अम्यूजमेंट जो है ये शायद हम में से किसी ने भी जो है वो नाम ना सुना हो। नेशनल अम्यूजमेंट वो कंपनी है जिसके दुनिया में एक रात सुखाए जिसके पास थिएटर है, शायद इन्होंने टीवी चैनल का मुझे मालूम नहीं इनके पास कितने हैं, लेकिन 1000 से ज़्यादा इनके पूरी दुनिया के अंदर थिएटर चलते हैं। और अब लाभ का जरिया सिर्फ इस वक्त न्यूज़ चैनल नहीं है, शायद न्यूज़ चैनल उतने अच्छे तरीके से जो है वो उनके नजरियात और मामला को हमारे ऊपर न कर सकते हो जितने तरीके से फिल्में और कार्टून और ड्रामा और बाकी सारी चीज़ें जो नजरियाती तौर पर हमारी जड़ें और इकदार की जड़ें ही जा रही हैं ये ज़्यादा अच्छे। तो वो ये सारी कॉरपोरेशन जो है ये कॉमकास्ट हो गई, AT&T हो गई, वॉल्ट डिज्नी हो गया, ये सिर्फ एक आदमी ब्लॉग का जरिया इन्होंने काबू में नहीं किया हुआ, बल्कि आप न्यूज़ टीवी चैनल, कार्टून टीवी चैनल, बिजनेस टीवी चैनल, फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर, मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से अब लाभ हो सकता है वो तमाम चीज़ें जो है वो इनका ऑपरेशन के पास चंद एक इनके अलावा भी होंगी, उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 5% कर लेंगे, 7% कर लेंगे हमारे, मतलब हम बहुत हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा चैनल जो देखा जाता है उसका नाम है जियो। अब आप देखते हैं जियो जो है वो मतलब अब वो जंग ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जिसके अंदर एक जंग अखबार है, एक जियो है, एक जियो सुपर है, एक जियो तेज है, कोई जियो फिल्म के नाम से उन्होंने फिल्में बनानी शुरू करते हैं, मतलब ये एक मीडिया कॉरपोरेशन बनने की तरफ जा रही है। और इसकी दुनिया के अंदर जो है उसकी उन जो बड़ी कॉरपोरेशन जिनका जिनके नाम आपके नाम ने नाम लिया है उनके मुकाबले में ये मतलब ये ऊँट के मुँह में गिरे की भी हैसियत नहीं है। तो ये तमाम इस वक्त जो है वो मीडिया जो है चूँकि जिनके पास है उन्होंने जाहिर है अपने नज़रियात भी हमारे ऊपर मुसलत कर लें। अब नुकसान क्या हो रहे हैं उनके, उनके नुकसान यही हो रहे हैं कि हमारे अपने अपराध जो है हमारी तरफ से जो है वो अबलाव अपने मौसर तरीके से नहीं हो रहा, अपने अपराध को जो हक बात है वो नहीं पहुँचाई जा रही उनके तरीके, उनकी तरफ से जो है हमारी तरफ से अभी भी अबलाव के लिए वही ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि मतलब तहरीर तकरीर, जबकि उनकी तरफ से जो है वो अबलाव का कोई जरिया ऐसा नहीं है, कोई ऐसा खाना नहीं है जो कि उन्होंने छोड़ा।
मैं पिछले हुसैन सलम वाले बाद में बात करना भूल गया कि हुसैन सलम ने किसी भी मौके को अबलाग का किसी भी तरीके से उसको कभी भी नहीं छोड़ा। मतलब ये नहीं किया कि अब अपराध को जाके अगर वकास के मेले के अंदर जाके और मजमे से खिताब कर लिया तो अपराध से फर्दन फर्दन बात नहीं करेंगे, अपराध से फर्दन फर्दन अलहदा से बात की, मजमे से अलहदा खिताब किया, ताइफ चलते हैं वहाँ पे जाके अलहदा से बात की, वहाँ पे आकर गुलाम के पास बैठते हैं जो उनके लिए अंगूरों के गोशे लाता है तो उसको भी साथ साथ जो है वो तरकीब कर दिया। नहीं किया कि अच्छा चलो मैंने जाके सरदारों से बात कर लिया तो फिर गुलाम को कह दिया, कोई मौका नहीं छोड़ा। हम यहाँ पर अभी भी जो है वो अपने चंद चीज़ों से ज़्यादा हम शायद सलाहियतों का फुकदान है जिसकी वजह से हम आगे इस मामले में, तो उनकी तरफ से हमारे जितने हवाफे तमका हैं हर हर चीज़ का जो अबलाव उनकी तरफ से हो रहा है तो बाहर है हमारी अपनी नस्ल जो है नई नस्ल वो हमारे हाथों से ऐसा ऐसा निकलते जा रही है। और शायद यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको मालूम होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बड़ा मसला जो अभी पेश आता जा रहा है वो नई नस्ल का इल्हाद की तरफ जाना या इल्हाद की तरफ ना भी जाना मजहब से बागी होते जा रहे हैं और उसकी वजह जो है वो शायद हमारे अपने कुछ यूँ कह दीजिए कि हमारे उलमा हैं या हमारे बुजुर्ग हैं कि वो नई नस्ल को जो उनके जहनों के अंदर जो सवाल आते हैं या जो कि डाले जाते हैं उन्हीं चैनल्स की तरफ से और उन्हीं मीडिया कॉरपोरेशन की तरफ से हमारे जो उलमा हैं उसको शायद अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाते या देना नहीं चाहते या बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी नई नस्ल जो है वो इसके अंदर जो है वो इल्हाद का भी शिकार होती जा रही है और इल्हाद के शिकार नहीं भी हो रही दीन से बागी हो रही, दीन से बागी भी नहीं हो रही तो वो कम अज़ कम यूरोप से मरूब जरूर होती जा रही है या मगरब से मरूब जरूर होती जा रही है और हमारी अपनी चीज़ें छोड़कर उनकी तरफ चलने की तरफ। आखिर में जो है वो मतलब ये वो दौर है इसके अंदर मुख्तसरन अगर वो कहा जाए मुख्तसरन फिल्म की जो हदीस है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब दयानतदार को जो है वो कायम कहा जाएगा और कायम को दयानतदार कहा जाएगा, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बताया जाएगा और वो दौर होगा जिस वक्त रुबैदा खिताब करेंगे या रुबैदा बयान करेंगे। तो पूछा गया कि रुबैदा कौन, उन्होंने कहा कि वो बेवकूफ़ जो अवामुन्नास के मामले में अपनी राय दें, आमदुन्नास के मामले में राय दें। या एक हदीफ के अंदर गालबन जो है मुस्नद अहमद की हदीफ है जिसके अंदर यूँ भी आता है कि वो फासिक लोग जो आमदुन्नास के मौके के ऊपर अपनी राय दें। तो इस वक्त हम देखते हैं कि हमारे अपने जो सामने जो टीवी चैनल हैं उन सारों के अंदर तकरीबन हमें सारे मालूम होते हैं कि वो रुबैदा ही खिताब कर रहे होते हैं कि जिनको सवाए चीखने दाड़ने या फसाद फैलाने या लड़ाई करवाने या वक्त ज़ाया करने के और हमें महसूस होता है कि उन चीज़ों का या उन टॉक शोज का या उन सारी टीवी के ऊपर जो आने वाले प्रोग्राम आते हैं उनका और कोई आपको इसके कोई फ़ायदा कोई ठोस फ़ायदा नज़र नहीं आता। मैंने चूँकि बच्चों की वजह से दो तीन साल हो गए अपने घर पे टीवी जो है वो निकाल दिया हुआ है, इस वजह से मैं बहुत सारी चीज़ों से बचा हूँ लेकिन मारा चूँकि मीडिया इंडस्ट्री का बचता रहा हूँ और अपने कुछ ना कुछ तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से मालूम होती रहती है। अब तो ये सारी बातें तो आ गई, मैं मेरा वक्त भी जो है वो 40 मिनट से ऊपर हो चुका है। अब सिर्फ मैं कोशिश करूँगा कि इन हालात को बताने के बाद जो करने के काम हैं अब उनकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इस चीज़ को जो है गुफ्तगू को नफा बख्श बनाया जा सके। इसके अंदर पहली चीज़ जो मैं तब आपके सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि इस ये जो अभी मैं जो चीज़ें बताऊंगा ये मीडिया से मुतालिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जो फर्दन फर्दन गुफ्तगू है या फर्दन का जो रवाबित का निज़ाम है हमारा उसकी अहमियत नहीं है, उसकी अहमियत अपनी जगह है और बाज़ात वो इस सारे जो भी मैं आपकी चीज़ें बताऊँगा इससे बहुत ज़्यादा मौसर रहती है। आप तो कादियानियों का अगर तबलीग का तरीका देखें तो वो मैच कम्युनिकेशन से आप उन्होंने शायद कुछ करनी शुरू की हो लेकिन वो हर फर्द पर टारगेट करके अपराध पर टारगेट करके उन्होंने अपना निज़ाम बढ़ाया कि याद के मतलब जितने अपराध उनके बढ़ते जा रहे हैं वो सारे उन्होंने पर्सनली एक तो उनका तारीफ़ कल वाला मामला है कि वो देखते हैं कोई बंदा फंसा हुआ है किसी भी जगह पे उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं और उसके बाद उसके रात कैंप करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको घेर के जो है वो मदद करते हैं। अब करने के काम में उसको दो चीज़ों पर डिवाइड किया जाता है, मैंने किया है एक तो हो गई तनजीमी तौर पर ये ग्रोहों के करने के काम या मैथ लेवल पे करने के काम ये हैं कि जो कि अपराध के अपने करने के काम
तरजीही तौर पे अगर पहले मैं तरजीही तौर पे काम बताता हूँ, तो पहले तरजीही तौर पे अगर जो करने के काम है, मतलब जो अपराध नहीं कर सकते ये तरजीहों का या तहरीकों का या मुख्तलिफ ग्रोहों के करने के काम, सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि जो अभी करंटली जो सिनेरियो चल रहा है, जो मौका चल रहा है, इसके अंदर ना ग्राउंड हमारा है ना बॉल हमारे कोर्ट में, इसके अंदर सब कुछ उन्हीं का है और हमारे रिटायरमेंट में कुछ नहीं है। इसके अंदर पहले नंबर पे हमें जो काम इसमें करना है उसको बोलते हैं मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट की अगर मुख्तसर सी मिसाल आपको दूँ तो आप ही कह लीजिए कि पता कि आप अखबार भी पढ़ते होंगे और मुख्तलिफ कि वैसे आपको शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कतलो गारत का, डाके का और बहुत सारी चीज़ों का आपको खबरें अखबार में या टी वी में मिलती होंगी, तो उसकी बैरियर टाउन या DHA इसके अंदर कतलो गारत या डाकू की कितने फीसद खबरें जो हैं वो आप लोगों की नज़रों को गुजरी, अगर कोई रिसेंटली किसी के हफ्ते दस दिन महीने के अंदर किसी की नज़र से गुजरी है तो वो बता दें। मेरा ख्याल है शायद ना होने के बराबर या कभी आप क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ना कोई कतलो गारत होती है, ना कोई डाका होता है, ना कोई चोरी चुकारी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे भी सब कुछ होता है, शायद उसकी रेशो जरूर कम हो, वहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम बेहतर है, लेकिन ये क्या है कि मीडिया मैनेजमेंट, उन्होंने मीडिया को इश्तहार दे के उनसे ताल्लुकात बना के उनके रिश्तेदार दे के जैसे कैसे उन्होंने मीडिया को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया कि जो मर्जी खबर चलाओ, जो मर्जी करो, हमारे खिलाफ खबर कोई नहीं चलती। तो ये मीडिया मैनेजमेंट होती है। अब हम मीडिया मैनेज हम अपने हिसाब से बताए रहे हैं, हम उस लेवल का नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई रेगुलरिटी बॉडी होती है, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पैर रहा है। आप किसी भी ड्रामा को किसी चीज के ऊपर, किसी इश्तहार के ऊपर आप कैमरा को कंप्लेंट करते हैं, कैमरा आपको जवाबी तौर पर बुला लेता है कि आप आ जाइए और आकर आप जो अपनी कंप्लेंट के ऊपर आगे फॉलो अप कीजिए। बिल्कुल आपने किसी जियो के किसी ड्रामे के खिलाफ कर दी कि ये हमारे इकदार के खिलाफ है, कैमरा ने आपको भी बुला लिया, जियो का नुमाइंदा भी बुला लिया, इधर से आप चले गए जियो जो है उसकी बड़ी कारपोरेशन है, उसने सुप्रीम कोर्ट का वकील भेज दिया, वहाँ पे उसके वकील ने जो है वो आपकी सारी बातों को जो है वो 5 मिनट में जियो की तरह उड़ा के रख दिया, और उसके बाद कैमरा ने आपकी कंप्लेंट खारिज कर दी कि जी आप हमें तो मुताबिक जवाब नहीं दे। तो ये काम जो है ये किसी तनजीम का या प्रॉपर किसी ग्रोह के करने का है कि ऐसे कामों के लिए कोई वकील हायर किया जाए, कि किया जाए मतलब कोई अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से जाके जाने पर बात की जाए। एक मुझे मालूम नहीं है कि इश्तहार में क्या था, लेकिन अभी जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था एक दोस्त से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि एरियल वॉशिंग पाउडर का कोई इश्तहार आ रहा था जिसके अंदर कोई बेहूदगी थी या लगाने क्या था, तो लामा इब्तिसाम इलाही वजीर के भाई हैं हिशाम इलाही वजीर, उन्होंने जो है वो एक प्रॉपर अपनी तंजीम की तरफ से जमीयत अहले हदीस की तरफ से पैमरा में कंप्लेंट लॉन्च की और प्रॉपर वकील भेजा, और जो है वो एरियल वालों ने उसके ऊपर उनका वकील जो है वो उस पर वो नहीं कर सका, उस पर उसका दिफा नहीं कर सका, और फिलहाल उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया और उन्होंने वो इश्तहार जो है वो बैन कर दिया कि पैमरा ने क्या वो पाकिस्तान के चैनल पर नहीं चल रहा। भारत तंजीम के करने का एक नंबर पे जो ये है, दूसरे नंबर पे जो है वो पर्सनल रिलेशन की बेस के ऊपर जो है वो आप जो है वो अपना पैगाम पहुँचाने में आपका किरदार हो सकता है, और कोई चीज़ है उसको रखवाने के तो वो भी जो है वो चूँकि अपराध के ताल्लुक भी जो है वो तंजीमों के भी ताल्लुक होते हैं, अपराध के भी ताल्लुक होते हैं, उसके आप इसमें सिर्फ ये है कि आपको जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर चुप ना देने बैठा रहना चाहिए, बल्कि अपने तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ जहाँ आप अपनी बात मुतलिका लोगों तक पहुँचा सकते हैं उनको फैला पहुँचा कर आप वहाँ कर लीजिए। अब मैं मेरा इस्लामी जमीयत तलबा में नजरों शाद की जिम्मेदारी थी, उस वक्त जब मेरी जिम्मेदारी नहीं थी तब मुझे बड़ी हैरत होती थी कि नवाया वक्त जो कि एक नजरियाती अखबार है वो जमीयत के योम तदीस के ऊपर आधे सफ़े का भी नहीं वो मजमून लगाता था, वो कलर पेज के ऊपर जो मैगजीन होते हैं उसके एडिशन, जबकि जंग जो है वो अक्सर औकात जो है वो फुल पेज का जो है वो उसका जमीयती योम तदीस के ऊपर देता है। तो उसका फिर अंदाज़ा यह हुआ कि जो अपराध वहाँ पर बैठे थे जंग वाले उनके ताल्लुक अच्छे थे जिसकी वजह से वो कर देते थे, और जो नवाए वक्त वाले थे उनका मामला उनके बड़े कशीदा थे जिसकी वजह से वो चार जो है वो उसको कम अज़ कम जगह देते थे। तीसरा
दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो फिर तंजीमें या तरीके या जो भी जिस तरह वो बाईपास कैंपेन चलाई जाती है कि अगर आप किसी जगह पे फेमस हो जाते हैं कि कोई स्टार कोई ड्रामा कोई चीज़ ऐसी आ रही है। अभी पिछले कोई लगभग एक साल पहले क्रीम बाइक सर्विस जो है उन्होंने स्टार चलाया जिसके अंदर उसका कुछ वो था कि अगर घर से भागना हो तो लड़की दिखाई जाती है, अगर घर से भागना हो तो क्रीम बाइक पर हो, तो उसके ऊपर जो है वो एक बाइकॉट की भरपूर मुहिम चली कि जो है वो क्रीम को अनइंस्टॉल कर दिया जाए मोबाइल पर, क्रीम की जो है वो इस्तेमाल करना उसको बंद कर दिया जाए। तो बाहर वो दो तीन दिन के अंदर अंदर उसकी वजह से वो तमाम मुल्क से जो है वो इश्तहार जो है वो हटा दिया। तो ये बाइकॉट मुहिम या उस ड्रामे की या उस चैनल की या उसके जो स्पॉन्सर जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनकी ये जो है वो अगर बाइकॉट मुहिम के ऊपर भी जो है वो तंजीम या तहरीक जो है वो अपने कारकुनों को और इसको मैच लेवल तक पहुँचाए, तो चूँकि ये मीशत जो है ये ही पैसा ही जो है ये उनका ऑपरेशन की बेस है और उनके नगरियात उनके मतलब वो सारे नगरियाती होने के बावजूद भी उनके नज़दीक जो है वो पैसा समटाइम बहुत ज़्यादा है। मुझे ये जंग की मिसाल ही जो है वो आप ये ले लीजिए कि जंग के अफराज पर जो है वो मैंने भी एक दफ़ा पूछा है कि भाई आप लोग नगरियाती तौर पर तो मुखालिफ हैं लेकिन जो है वो जमीयत की उम्र तब इसके ऊपर आप पूरा वो छाप देते हैं। उन्होंने कहा एक तो ताल्लुक है और दूसरी वजह यह है कि जब वो छपता है तो फिर हमें पता है कि हमारी उस दिन अगर बिल्कुल काम के लोग हम 1,00,000 छापते हैं तो उस दिन जो है वो हम 1,25,000 छापते हैं। हमें पता है कि आपके कारकुन अपार को खरीद के पूरे तकसीब करते हैं और जगह जगह पर तो ये बहरहाल उनके नज़दीक ये फैक्टर एक बहुत तमाम मीडिया कॉरपोरेशन के चैनल के नज़दीक अहम है कि उनकी उनको जो है वो मुआशी फ़ायदा की सूरत में हो रहा है। तो अगर वो आप बाइकॉट का करते हैं तो वो उनकी मुआशी तौर पर जितने हद तक भी कमर तोड़ता है लेकिन उसका बहरहाल कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है। दूसरे नंबर पर ये तो मीडिया मैनेजमेंट हो गई। इसमें आखिरी पॉइंट जो है जो कि हम लोगों के बस की बात नहीं है, बस सिर्फ उसका एक नाम दे के मैं फिर आगे चला चलता हूँ कि चौथे नंबर पर मीडिया जो मैनेज किया जाता है वो वैसे किया जाता है जैसे एम पी एम कर दी कुछ हो गया हमारे पास में नहीं है इस वजह से हम आगे तनवीर के करने का आगे मजीद काम ये है जिस तरीके कि इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएँ। ऐसे इंस्टीट्यूट से मुराद ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूट हो, ऐसे इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर हमें हमारे कारकुनान को जिस तरह पहले स्टडी सर्कल होते थे नजरियाती तौर पर उनकी फिक्री तौर पर तरबियत होती थी, तो ऐसे इंस्टीट्यूट हों कि जहाँ से उनकी ट्रेनिंग की जाए उनको बताया जाए कारकुनान को जिनकी तरबियत हो चुकी हो कि आपने लिखने का लिखना कैसे है, आपने बोलना कैसे है, आपने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, आपने कहीं पर फीडबैक देना है तो कैसे देना है। अगर हम इदारे ऐसे कुछ इदारे बनाएंगे जहाँ पे हम उनको तरबियत देंगे तो शायद यही जितने अपराध यहाँ पे बैठे हुए ये भी सारे अगर अपराध तरबियत दिए अपना मुकाबले में वो शायद बहुत अच्छे तरीके से अपना अपराध जो है वो आम आवाम तक जरूर पहुँचा सकते हैं जो कि शायद अभी उस तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। और अगर फिर उसके अंदर टाइम घंटे के हम फिर बाकी तौर पर हम क्या कर सकते हैं क्या क्या मामला हो सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो है कि हमें अपनी तरबियत ये जो जो पहले काजी अबरार साहब ने जो बात की तहजीब और अपनी तरबियत वाला मामला जब तक होना हो, तो क्योंकि आप जब भी किसी मैदान के अंदर लड़ाई के लिए उतरते हैं तो आप अगर बगैर तैयारी के उतरेंगे तो आपकी नियत मिशन जितनी भी खाली क्यों ना हो आप उसमें मार खा सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। और ये तो मैदान ही ऐसा है कि मतलब जिसके अंदर हमेशा अगर अपने लाल तजाल के बारे में कहा था कि कोई भी बंदा जो है वो खुद से उसके सामने आने की कोशिश ना करे तो ये कि उसका जादू जो है उसके ऊपर चल जाए वो बंदा जो है दीन से गुमराह हो जाए। तो ये तो हम क्योंकि मामला ही ऐसे हैं सारी तरफ जो है हमारे अपने कोर्ट के अंदर बॉल ही नहीं है तो इस वजह से अब इसके अंदर पहले नंबर पर तो अपराध को थोड़ा सा अपना जहनी सतह को तमाम अपराध को भी चाहिए कि वो मुताले की अदर डाल के अपने पाँचों सेंसेस को खोल के हर तरफ से मुशाहदे की आदत डाल के अपने सोचने समझने की आदत बेहतर बनाए कि हम अपना अपराध कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर जाहिर है सोचेंगे उसके बाद उसको समझेंगे भी मामला आता उसके बाद फिर जो है आपको लिखना नहीं आता आपको बोलना नहीं आता आपको तकरीर नहीं करनी आती आपको तहरीर नहीं करना आता नजर नहीं आती आपको फीडबैक देना तो आता है। आप शेयर अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप शेयर जरूर कर सकते हैं। अखबार में आपको ये गलत देख रहे हैं
तो आपको वहाँ पे मुनासरे की सूरत में आप उसको फीडबैक दे सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पे आपको फीडबैक दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे असल में इस मामले के अंदर खराबी वहाँ से आती है कि जब हम लोग जो हैं जो कि सही राय रखने वाले हैं या जो हक के ऊपर कायम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं रखने की, वो लोग मुमकिन बन जाते हैं कि वो बुराइयों को देख के सवाए दिल में बुरा जानने के ज़्यादा और कुछ नहीं करते, तो वहाँ से मामला अपनी खराबी कर रहा होगा। जब हम किसी न किसी लेवल के ऊपर भी हम फीडबैक देना शुरू करते हैं और वो फीडबैक जो है वो जब एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर जब इसके अंदर होता है आमतौर पर ना किसी एक फर्द को या किसी एक तंजीम को बारिश का पहला कतरा बनना पड़ता है। जब एक बंदा बोल पड़ता है तो उसके पीछे पीछे उठने वाले बहुत सारे होते हैं जो सारे पहले उस चीज़ को दिल में बुरा जानते होते हैं लेकिन उनके ईमान में इतनी ताकत अपनी नहीं पैदा कर पा रहे होते कि वो उस चीज़ के लिए प्रोएक्टिवली जो है वो उसके काम करें। फिर उसके बाद आप पहले नंबर पर फीडबैक देना शुरू कीजिए, चाहे टी वी चैनल हों चाहे बारात हों उनके मुनासले हों, आप उनको कोई गलत चीज़ है आप उन तक अपनी बात पहुँचाना शुरू करें कि ये गलत है और ये कैसे गलत है। इस चीज़ का बहुत असर होता है, ये अजमाई हुई चीज़ों में से है। और एक अल्पन जियो के अल्पन के ड्रामा था मेरे बेहद भी नहीं आ रहा था दो तीन साल पहले, उसके बारे में कब फीडबैक किया था जिसकी वजह से तो मामला दूर हो गया। चौथे नंबर पर फिर जाहिर है जिस तरह के अभी मैंने कहा कि जब तनजीमें जो है वो एप्टीट्यूड टाइप करेंगी तो उसके अंदर फिर लिखने बोलने और ये सारी तमाम चीज़ों की जो है वो तवज्जो देंगे तो फिर जाहिर है कि हमारा जितना अबलाव है ये उसको हम गर्म मौसम तरीके से कर देंगे। फिर एक चीज़ जो कि इसके अंदर एक पॉइंट में भूल गया जो कि तनजीमों और अफराद दोनों को करना चाहिए जिसका ख्याल करना चाहिए कि हम अमूमी तौर पर हमारी ज़्यादा जो कोशिशें होती हैं वो हमारी डिफेंस के अंदर जो है वो गाया हो जाती है। अगर कोई फर्द लिख भी रहा है कोई बोल भी रहा है तो अब एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक पिछले कुछ ऐसा पहले जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट चली जिसके ऊपर लिखा ये हुआ था कि एक ज़माना था जब ना इमाम अबू हनीफा थे ना इमाम अहमद बिन हम्बल थे और चारों इमा के नाम और छः मुहद्दिसीन के ना इमाम बुखारी थे ना इमाम नसाई थे और इस्लाम तब भी मुकम्मल था। अब ये एक ऐसी बेहुदा सी बात है कि जिनका मंतकी तौर पर देखा जाए तो उसका खैर प्यार नहीं है, उनकी वक्त इस वजह से मुकम्मल था क्योंकि उस वक्त वहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट तरबियत याफ्ता साहबा मौजूद थे या साहबा के डायरेक्ट तरबियत याफ्ता साहबीन मौजूद। अब इस चीज़ का आप जवाब देने लगेंगे तो ये चार फिगरों के अंदर नहीं होगा, इसके लिए आपको एक मजमून लिखना पड़ेगा। उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया और आपको डिफेंसिव पोजिशन में दे हम जो है हमारी एफर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजिशन डिफेंसिव उसके अंदर गाया हो जाती है कि तनजीमें भी और अफराद भी जहाँ पे लिखते हैं पहले नंबर पे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो है वो ये भी जब प्लेटफॉर्म बनेंगे और उसके बाद हम अपना कोई अल्लाह करे कि हमारा अपना ग्राउंड बने और उसके बाद हम अपना कोई चैनल या चैनल ना भी जिस भी लेवल के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें तो हम कम अज़ कम डिफेंसिव पोजिशन से निकल कर एग्रेसिव उस पर आ जाए। इसकी मैं जो है वो एक मैंने दो वीडियो जो है वो मैंने लैपटॉप के अंदर कॉपी करवाई है, अगर मुझे ज़रूरत मिली तो वो भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि अपनी बात खत्म करके एग्रेसिवली हम आना शुरू करें और अपनी बात जो है वो पहुँचाना शुरू करें तो उसका फ़ायदा ये होता है जिस तरह मौलाना मौदूदी से कहा गया कि भाई आप जो खिलाफ खिला अफराद जो है आपके खिलाफ इतना कुछ लिखते हैं आप उसके जवाब क्यों नहीं देते, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ फिर मेरा वो असल काम रह जाए। तो इस वजह से हमारी बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है वो डिफेंस के अंदर गायब हो जाती है। तो कोशिश ये की जाए कि तमाम मामला जो है वो डिफेंस के साथ साथ जो है वो एग्रेसिवली भी जो है उसको हम अपने तौर पर अब ये एग्रेसिवली जो उसकी जो है वो निकाल जो है वो मैं भी आपको ये कहता हूँ। बस अपनी बात मैं इसके ऊपर ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सारे उसके ऊपर हमें जो खुशखबरी दी है वो ये है कि वाला यंसुरुल्लाह मन यंसुरु कि अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है जो उसके दीन की मदद करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम इस अगर रात के अंदर जो उतरेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं करेगा या अल्लाह ताला हमारा हाथ छोड़ देगा, हम अच्छे तरीके से इसके अंदर उतरेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वह अल्लाह ताला से कहता है कि अल्लाह कि सुन रखो बेशक अल्लाह ही अब ये मैं आखिरी जो चले वो इसको जो है वो आप लोगों को जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। जमीयत कराची ने जो है वो एक छोटी सी दो तीन मिनट का वीडियो क्लिप बनाया था
जिसके अंदर उन्होंने कश्मीर के मौकों के ऊपर जो है वो कुछ बच्चे दिखाए गए जो कि कह रहे हैं कि जब हम इंडिया पूरा कर लेंगे तो हम वहाँ जाकर जो है गोवा में हट मनाएंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। तो वो हालांकि वो एक छोटे से लेवल के तंजीम के भी कराची के सेक्टर ने बनाई थी, लेकिन उसकी वो इतनी मौसर साबित हुई इस टीम के अंदर कि जी टी वी ने उसका जवाब दिया और उन्होंने अपने पूरे चैनल के ऊपर और उसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर बोला। तो हम अगर अपने रवायती तरीकों से हट के भी जो है वो अच्छे तरीके से अगर अपनी बात पहुँचाने के लिए नए नजीब तरीकों से भी इस्तेमाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हम आ रहे हैं।